प्लीज कमेंट में बताएं और अपने सजेशन में, और आप भी करो करो कमेंट, ठीक है ना। हां मैं भी करूं। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करो, बाकी दुनिया में प्रगति के रास्ते वो अपने आप तलाश करेगा। वो एजुकेशन मिनिस्टर हमारे से क्वेश्चंस कर रहे थे ना, मुझे समझ ही नहीं आया। मैं से पूनम, कौन सी क्लास में पढ़ती? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं हूँ पूनम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम से ठीक हूँ। सो आज का ये जो व्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यही व्लॉग है जिसकी वजह से मैं घर आई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, हमारे गाँव में आने वाले हैं आज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड यही रीज़न था इस वजह से। वैसे घर तो आना ही था, लेकिन थोड़ा जल्दी आना पड़ा क्योंकि अमन को भी बुला रहे थे, और फिर मैंने सोची कि मैं भी चले जाती हूँ, और इस वजह से हमारा घर आना हुआ। एंड अभी वैसे मुझे ये नहीं पता, अब शायद वैसे उनका आने का टाइम हो चुका है, शायद वो पहुंच चुके हैं। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं लेट हो गई, और साथ में हैं भाभी और मम्मी, और एक भाभी अभी पीछे से आ रहे हैं, और हम जा रही हूँ ये मक्की जो मुझे चढ़ानी है भीमा काली माता के मंदिर में। सो अभी देखते हैं, पता नहीं क्या क्या हो गया होगा उतने में। माता का मंदिर, जय हो भीमा काली माता। अभी आ रहे हैं मम्मी, मम्मी को आई होप आप सब जानते होंगे, और नहीं। आ रहे हैं मनु भाभी, जिनको आपने काफी सारे व्लॉग्स में देखा होगा, एंड उनके साथ है रीनू भाभी। मेरा निवेदन रहेगा आज के मुख्य अतिथि मौर्य जी तथा विधायक जी से कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गुलदस्ता देकर सम्मान करें, और मेरा निवेदन रहेगा आज के मुख्य अतिथि मौर्य जी से कि इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करने की कृपा करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, राकेश जी का स्वागत है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 29 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी निहरी में आए थे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोगरी हो, चाहे वो हाई स्कूल हमारा हड़ाबोई हो, चाहे इसके साथ लगते अन्य स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो,
मेरा आपसे निवेदन, क्योंकि सूची हमने आपको दी है, जब भी नई पोस्टिंग अभी होने वाली है मेरे इस क्षेत्र का ध्यान रखे। हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में, भाषा एवं संस्कृति मंत्री के रूप में आप आज हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा मात्र एक काम करो, अपने बच्चे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करो, बाकी दुनिया में प्रगति के रास्ते में अपने आप तलाश करेगा। इसलिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और इसलिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के संबंध में कहा जाता है, गरीब परिवार में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में गांव में पढ़े और मंडी के कॉलेज में पढ़े, विश्वविद्यालय में पढ़े, अपनी शिक्षा के बल पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और इसलिए मित्रों, हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों का भविष्य, बच्चों की शिक्षा उचित रूप से हो, यह हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई रास्ता निकाले तो हमने ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की, हर घर पाठशाला कार्यक्रम को प्रारंभ किया, और हमारे टीचर को यह पता होता है कि मेरे क्लास में सबसे गरीब परिवार के बच्चे कौन है जो खरीद नहीं सकते, और लिस्ट बना के तक जरूरतमंद तक जाए। Few moments later. और मैं सब यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग धाम का वेट कर रहे हैं, मैं इनका मम्मी और भाभी। हेलो, मीट टू माय बुआ है, वैसे रिश्ते में मेरे बुआ लगते हैं वो, कंचन वर्मा, लेकिन वैसे एज का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस पापा के कज़न है। ये बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ये भी होंगे व्लॉग में, बट ऐसा हो नहीं पाया, और आज भी इन्होंने इतनी लेट कर दी है, बहुत लेट। प्लीज़ प्लीज़, हमारी लड़की बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और अगर आप चाहते हो कि इसके व्लॉग्स आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि मतलब कोई चीज़ चेंज करनी है या कुछ नई चीज़ तो सजेशन प्लीज़ 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 कमेंट में बताएं और अपने सजेशन दें। और आप भी करा करो कमेंट, ठीक है ना? हाँ, मैं भी करूँगी, मैं करती हूँ जब भी चाचू देखती हूँ मेरे को यार। चलो ठीक है, अभी देखते हैं अभी और क्या बनता है, फिलहाल खाना खाने चलते हैं। दादी बुआ, हाँ, इसके पापा की बुआ यानी कि इसके पापा। ओके, मैं सीधा सा सिंपल सा बताती हूँ कि दादी पापा की बुआ है, तो उस वजह से पापा के कजन हुए बुआ, और वो मेरे बुआ हुए क्योंकि वो पापा के कजन है। और जब एजुकेशन मिनिस्टर हमारे से क्वेश्चंस कर रहे थे ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, और कैमरा काफ़ी नीचे हो गया था क्योंकि मैं उनसे बात कर रही थी उस टाइम, मतलब उस टाइम अच्छा नहीं लगता ऐसे कोई तुमसे इंटरेक्ट करो, कोई क्वेश्चन करो और हम कैमरा उठा के रखे, तो उस वजह से थोड़ा सा ये वही दिखा पाऊँगी आपको, और तो बड़ी सी हो गई थी। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर पूनम, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सर मैं मास्टर्स फाइनल ईयर है एमकॉम। अच्छा, हाँ जी सर। कहाँ किया? सर मैंने यूनिवर्सिटी से किया है। और आपको? हाँ, क्या कर रही हो? बीएड हुई है सर, कंप्लीट है। अच्छा, और आप? सर ध्रुव सर, सिविल इंजीनियर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, आप भी फर्स्ट? वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। अब चलो उधर भी चलते हैं। वाओ, क्या था ना हमारे टाइम पे, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, वही बोल रही हूँ, सारे विकास हमारे जाने के बाद ही होने थे। तुम्हारे टाइम पे तो फिर भी कुछ हो गया, दिखाती हूँ। हाँ हाँ, मेरा भी दिखाना, पर मेरा ना
सो गाइस कंचन वर्मा और ये ध्रुव मेरा भाई, ये मैं हूँ, ये मेरा स्कूल है और यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। मेरा भी दिखा दो, मेरा भी दिखा दो, ढूंढो गई, मेरा नाम गलत है लेकिन हियर आई एम, शट अप यार, लेकिन ना हाँ अब मुझे बोलना पड़ेगा किसी से करेक्ट करवाने के लिए, जब नया लिखोगे ना तो मेरा नाम करेक्ट कर देना। ध्रुव वर्मा पूनम रक्षा, ये हमारे स्कूल के कुछ होनहार बच्चे हैं। अरे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बट चलो उस टाइम के लिए काफी था, जिसमें कि आपको बहुत ही घने अक्षर में दिख रहा ना जो कंचन वर्मा वो आप है वो मैं। हाँ ये भी एक चेहरा जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, जो भी मास्क में है, मिस्टर ध्रुव वर्मा। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं, बोलो क्या देख सकते हैं ये है हमारा बहुत ही, हमारा तो नहीं बोल सकते, जिस टाइम पे हम होते थे उस टाइम पे होता नहीं था ये स्कूल। ये न्यू बिल्डिंग बनी है अभी, लेकिन अभी ये वाला था। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क अभी ही कंप्लीट हुआ आई थिंक। और ये हमारे स्कूल, हमारे टाइम में ये भी नहीं था, हमारे टाइम में ये भी नहीं था। हम लोग बैठे हैं लेकिन हम लोग नीचे वाले फ्लोर पे बैठे हैं। हाँ हम भी नीचे वाले फ्लोर में बैठे, ये जब बन रहा था मतलब उस टाइम ये बन ही रहा था अभी, उस टाइम पे क्लासेस नहीं लगी थी इसमें। ये थी हमारी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट शॉप, जहाँ से हम कभी कुरकुरे कभी कुछ लिया करते थे। देखिए और ये हमारा छोटा सा स्कूल, ये हमारे स्कूल का छोटा सा ग्राउंड जहाँ पे हम खेला करते थे। और ध्यान से देखिए इस शख्स को जिसको आप हर वीडियो में देखते हैं, बोरिंग सा चेहरा। हम चल पड़े हैं वापस, नो बैक टू होम। और ये देखिए ये इन लोगों की गहरी साजिश है कि हम व्हाट एक एक बुक, ये मेरे पास भी दो बुक और इनके पास भी, ये हमने चुरा लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों को, चाचू वैसे कि हमने समय आना नहीं चाहते थे, आप लोगों ने आज का दिन बहुत खास बना दिया। थैंक यू सो मच। ठीक है फिर ना, मिलते हैं कभी और। बाय को जरा बिना लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें, कहाँ चल दिया आप लोग, प्लीज़ कर दो जल्दी से। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।